नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल माधव की पाठशाला में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि UPRVUNL की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। और इसके फॉर्म जो है भरने की डेट भी आ गई है और आप इसको फिल कर सकते हैं जल्द से जल्द। तो इसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है तो वो इसको ज़रूर भरें। और जो भी विद्यार्थी अभी इसकी तैयारी कर रहे थे जो JEE की, तो उन लोगों के लिए फॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें मैं बताऊँगा आपको सारी बातें, क्या इसमें शैक्षिक योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी फ़ीस है, क्या लास्ट डेट है, कब से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और कब तक रहेंगे। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहिए अंत तक, ठीक है। तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले के ऊपर कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश UPRVUNL करके, ठीक है, ये वैकेंसी है। और इसमें जो आप देख पा रहे होंगे ये कि अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक, ठीक है। तो ये अवर अभियंता की वैकेंसी है। इसमें जो पद जितने भी हैं वो सारे अलग अलग ट्रेड वाइज दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर। तो विद्युत के यहाँ पर इसमें देखिए आप सबसे पहले तो ये कोड संख्या, इधर पद कोड दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 करके, और कुल रिक्तियाँ जो उसके बाद जो दूसरा कॉलम है कुल रिक्तियों का इसमें देख सकते हैं। तो इसमें जो विद्युत यानी इलेक्ट्रिक वाले जो व्यक्ति हैं इलेक्ट्रिकल के, उनके लिए 69 है, मतलब 69 वैकेंसी हैं टोटल, ठीक है। और जिस तरीके से जैसे इसमें अनरिजर्व्ड की अनारक्षित जो वैकेंसी हैं वो 42 हैं, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सब स्लैब उन्होंने दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरा मैकेनिकल का, यांत्रिक अभियंता जो है यांत्रिक की कोड जिसका 2 है उसकी 78 है, 78 वैकेंसी हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल जो EC से करते हैं डिप्लोमा, उनके लिए 39 वैकेंसी है, और कंप्यूटर वालों के लिए 10 वैकेंसी है टोटल। अब इसमें अनरिजर्व्ड OBC SC ST ये सब इसमें ये स्लैब दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अगर मैं पूरा इसको एक एक बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें वेतनमान की। और ये जो इसके नीचे जो स्लैब के नीचे जो आप देख रहे हैं कि उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के पास सुरक्षित है, तो ये सारे मतलब निर्देश होते हैं, तो ये हर फॉर्म में सेम ही रहते हैं। ये तो कोई भी जो डिपार्टमेंट वही वैकेंसी निकाल रहा है वो पद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। अब वेतनमान की अगर बात की जाए, इसको लेकर बहुत लोग ईगर रहते हैं, तो जो पद कोड 1, 2, 3, 4 हैं इन सभी के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अकॉर्डिंग जो प्रारंभिक वेतन आपको मिलने वाला है वो 44,900 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद जो भत्ते इसमें लिखा हुआ है तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में लागू नियमानुसार होंगे, तो इनके जो नॉर्म्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको भत्ते मिलेंगे, ठीक है। और जो प्रारंभिक वेतन आपका रहेगा वो 44,900 रहने वाला है, तो बहुत अच्छा वेतन है, इससे बेहतर और क्या होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ, ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपकी कंपल्सरी जो मैंडेटरी आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब देवनागरी जो लिपि होती है उसमें आपकी हिंदी जो है मैंडेटरी है, हिंदी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि भाई UP का फॉर्म है तो आपको हिंदी मैंडेटरी है इसमें। अब इसमें जो एक आप देख रहे हैं इसी के थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो जो देवनागरी स्क्रिप्ट के बाद की जो लाइन है, द इफ़ द कैंडिडेट हैज नॉट पास्ड हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन हिंदी, ठीक है, फिर ही स्लैश सी हैज़ टू क्लियर द एन एग्ज़ाम कंडक्टेड बाई द एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी UP, ठीक है, विद इन 3 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग के बाद अगर किसी व्यक्ति ने हिंदी के साथ जो है हाई स्कूल नहीं कर रखा है या कोई उसके इक्विवेलेंट कोई उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो 3 साल के अंदर
उसको एक एग्ज़ाम जो है पास करना होगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ दूसरी भी अगर देखा जाए, ये तो ए था, ठीक है। दूसरा 3 साल का डिप्लोमा आपको जिस ट्रेड से आप भरना चाहते हैं तो उसका डिप्लोमा आपके पास 3 साल का मैकेनिकल इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स एंड इसमें मतलब जिस ट्रेड से आप भरना चाह रहे हैं उसका डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए। तो डिप्लोमा आपके पास उसका कंप्लीट हो चुका हो और उसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर अप्रेंटिस के अंतर्गत वरीयता संबंधित, ठीक है। अब अप्रेंटिस उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 है इसके अंतर्गत 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को निगम में सीधी भर्ती के पदों पर चयन परीक्षा में प्रतिभाग करने पर नियमानुसार निम्नानुसार वरीयता प्रदान की जाएगी। किस तरीके से जैसे किसी ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में अगर 1 साल का प्रशिक्षण यानी अप्रेंटिस कर रखी है तो उसको ये निम्न अनुसार ये नीचे दिया हुआ है कि भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को अन्य विद्यार्थी के सापेक्ष वरीयता है। मतलब जैसे कोई 2 लोग हैं और उन दोनों ने समान अंक प्राप्त किए हैं तो जो पहले से अप्रेंटिस किया हुआ है तो उसको वरीयता दी जाएगी। तो ये भी आप तीनों पढ़ लेना कि क्या क्या कंडीशंस हैं, अगर जिस उसको पढ़ना जरूरी है जिसने अप्रेंटिस पहले कर रखी है, ठीक है। अब आयु में छूट, तो आयु में छूट भाई जो यूपी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आयु में छूट मिलने वाली है। तो जैसे SC ST, ठीक है, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर OBC, तो इन लोगों को और जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो इन लोगों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक, तो जो ये तो नॉर्मल है हर जॉब के लिए सेम रहते हैं, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क की जब हम बात करेंगे तो आवेदन शुल्क जो है सबसे पहली चीज़ की अप्रतिदेय मतलब नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। अगर आपने जैसे आवेदन शुल्क दे दिया है फॉर्म भरने के बाद तो वो किसी भी कंडीशन में आपका रिफंड नहीं होगा, चाहे आप एग्ज़ाम दीजिए मत दीजिए। अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया है तो फिर आप और आवेदन कर चुके हैं, शुल्क जमा कर चुके हैं, तो ये किसी भी कंडीशन में रिफंडेबल नहीं है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अनारक्षित तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो ये है तो 1,000 रुपये, ठीक है, ये देखिए 1,000 रुपये हो जाएगा। फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए ये 700 रुपये का है। उसके बाद दिव्यांग श्रेणी के जो लोग हैं उनके लिए 10 रुपये फॉर्म जो है इसमें लगना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आवेदन शुल्क जो है आपका नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड द्वारा पेमेंट गेटवे ऑफ SBI कलेक्ट के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका पेमेंट है, अब तो सारे पेमेंट जो है इसी मोड से होते हैं ज़्यादातर जो देखा गया, तो ये आपको ऑनलाइन जमा करना है, ठीक है। अब इसमें एक जो ब्लैक डार्क ब्लैक करके जो लिखा है कि बैंक चार्जेस अभ्यर्थी द्वारा अलग से दे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जो 1,000 रुपये जो लग रहा है वो तो फीस हो गई इसकी, अब इसके अलावा जो बैंक आपसे चार्ज करेगी प्रोसेसिंग फीस वो आपको अलग से देना होगा, ठीक है। चलिए अब प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो जो आपके पास में शिक्षा संबंधी जो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको प्रस्तुत करने होंगे। जैसा कि अब देखो मैं बताता हूँ, इसमें अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर कंप्यूटर वेस्ट में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों के संगत अभिलेखों की जांच अभिलेखीय परीक्षण के समय किया जाएगा। जो संगत अभिलेख जो आपने उसमें लगाए हैं वो अभिलेखीय परीक्षण जब आपका होगा उस समय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिस समय होगा तब आपको जांच मतलब ओरिजिनल जांच तो उसी समय होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के समय, जब आपकी CBT होगी तो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के समय आपको एक प्रवेश पत्र जो आपको इशू होगा
दो पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो लेकर जाने होंगे और एक पहचान पत्र लेकर जाना होगा, आईडी प्रूफ आपका, ठीक है, फ़ोटो पहचान पत्र जिस पे आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए। उसमें क्या क्या चीज़ चलेगी, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब चीज़ें आप कुछ भी इसमें से एक लेकर जाएंगे। यानी पेपर के समय आप जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो दो लेकर जाएंगे और एक आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा, ठीक है। फिर आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको संबंधित पद हेतु वर्णित शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है, और प्रोविजनल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, मतलब जो आपने जैसे मैकेनिकल से किए हो तो मैकेनिकल ट्रेड से संबंधित जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आपका अंक पत्र होगा, ठीक है, मतलब डिप्लोमा होगा और मार्कशीट होगी, दोनों आपको लेकर जाना होगा, साथ में प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना होगा। उसके अलावा अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, तो अगर मतलब जाति प्रमाण पत्र किनको चाहिए होगा, जिन जो आरक्षण जिनको चाहिए, तो आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, तो वो आपको दिखाना होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर कोई सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी, तो वो भी क्या कि उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। तो यानी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो लीगल, वो सारे आप लेकर जाएंगे इसमें, क्या पता वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर कोई व्यक्ति सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत है, तो आपको वहाँ से एक एनओसी लेनी पड़ेगी। वैवाहिक स्थिति, अब इसमें क्या है, ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी, पुरुष या महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक जीवित पत्नी या पति रखते हो, भाई अगर आपने एक से अधिक शादी कर रखी है, कहने का मतलब दोनों जीवित हैं, ऐसा नहीं है कि आपके जैसे भगवान ना करे किसी साथ ऐसा हो कि किसी का पति या पत्नी एक्सपायर हो जाता है और वो दूसरी शादी कर ले, तो वो तो एलिजिबल होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति या महिला जो है जिसने दो शादी कर रखी है और दोनों उसके हस्बैंड या दोनों वाइफ उसकी जीवित है, तो वो जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए, तो चयन प्रक्रिया जो है, अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक पद हेतु प्रथम चरण में आपकी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट होगा, ठीक है, प्रथम चरण में, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और ये सीबीटी आपकी 3 घंटे की होगी, ठीक है, 3 घंटे का इसमें पेपर होगा। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी में अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी को न्यूनतम 28, मतलब आपको मिनिमम 28% अंक तो चाहिए, ठीक है, किन लोगों को, जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के हैं, ठीक है, तथा अन्य श्रेणी के लिए न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कहने का मतलब कट ऑफ चाहे जितनी भी जाए, सिलेक्शन तो कट ऑफ से ही होगा। कट ऑफ से मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम कट ऑफ जो भी जा रही हो उसी के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन फिर भी कम से कम आपको 33% अंक तो लाने ही हैं। 33% से आपके अंक अगर कम हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है कंप्यूटर परीक्षा में, अरे शॉर्टलिस्टेड व्यक्तियों के अधिकतम 1.5 गुना, जो जितने भी लड़के बच्चे जो हैं विद्यार्थी जो हैं, जितने भी विद्यार्थी पास होंगे सीबीटी में, उसके 1.5 गुना बुलाए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अब उसके बाद में देखो जो आपकी सीबीटी होगी उसका जो विस्तृत विवरण यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दिए करके दिया गया है। तो पार्ट 1 में आपके 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आपके संबंधित ट्रेड से होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित, मैकेनिकल से मैकेनिकल से संबंधित, ईसी से हैं तो ईसी से संबंधित, ठीक है। फिर पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में आपके 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें क्या होगा, जनरल हिंदी होगी, जनरल नॉलेज होगी और रीजनिंग होगी, ठीक है। तो जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और आपकी रीजनिंग, ये 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में। तो ये सीबीटी के लिए है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। अब आगे बात करते हैं कि माइनस मार्किंग, तो इसमें देखो नीचे साफ साफ ब्रैकेट में लिखा हुआ है पार्ट 2 के नीचे, देखिएगा कि इन सीबीटी एग्ज़ाम फॉर दी पोस्ट ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, मतलब हर
क्वेश्चन के लिए, सही क्वेश्चन के लिए अगर आप आंसर सही करते हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो एक मार्क आपको एक नंबर दिया जाएगा, और गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 की माइनस मार्किंग यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, ये टाई ब्रेकिंग नियम क्या है कि जैसे जिनके समान अंक आ जाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं रूल क्या है। पहला रूल है कि उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसके पार्ट वन यानी कोर सब्जेक्ट में अधिक अंक होंगे। मान लो किसी के कोर सब्जेक्ट में ज़्यादा अंक आ गए, और जो दूसरा वाला है हिंदी और पार्ट टू में कम अंक है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो पार्ट टू में अधिक ले आया है और उसके कोर में कम है, तो वहाँ पर जिसके कोर सब्जेक्ट में ज़्यादा अंक होंगे उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि वन समान हो, मान लो ऐसा समान है दोनों उसमें अंक में बराबर हैं, तो फिर अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को बस वरीयता दी जाएगी, मतलब पार्ट टू में जनरल अवेयरनेस में। मान लो उधर बराबर है तो इधर वाले के अनुसार हो जाएगी। अब एक और दो दोनों में समान है तो जन्म तिथि के अनुसार अधिक आयु वाले को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो ये आप देखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि परीक्षा स्थान। तो परीक्षा स्थान इसमें आप देखिए, तो जो लिखित परीक्षा आपकी होगी वो आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ एवं नोएडा शहर में होगी। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर आपके अलॉट किए गए हैं, बनाए गए हैं, यहीं पर जो है आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, आप थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिएगा, जो एसेंशियल चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टेप टू की अगर बात की जाए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फोटोग्राफ इमेज है, सिग्नेचर इमेज है आपकी, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इमेजेस हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी। ठीक है, तो फोटोग्राफ इमेज की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आपको फोटोग्राफ पहली चीज़ तो रिसेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 3 वीक्स। ठीक है, 3 सप्ताह से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर होनी चाहिए। फिर क्या है इसमें देखिए, लुक स्ट्रेट एट दी कैमरा विद अ रिलैक्स फेस, मतलब आराम से फ़ोटो खिंचवाना है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से जाएंगे, सिंपल बैठ के फ़ोटो खिंचवाइएगा। और फ़ोटो का जो साइज़ है वो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, 20 से कम ना हो, 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसका जो फॉर्मेट है वो JPG या ऑब्लिक JPEG फॉर्मेट ही चलेगा। ठीक है, सिग्नेचर में भी ये है, सिग्नेचर में थोड़ा सा देखिएगा कि जो सिग्नेचर वाइट पेपर पे आपको ब्लैक इंक पेन से सिग्नेचर करना है, ब्लैक इंक पेन से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इमेज आपको लगानी है, इसका साइज़ जो है 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर एरिया ओनली एंड नॉट दी एंटायर पेज, अब इसमें जो है आपको जो स्कैनिंग करनी है वो सिग्नेचर एरिया की करनी है, पूरा पेज स्कैन नहीं करना है, आपको सिग्नेचर स्कैन करके केवल लगाने हैं। 10 से 20 KB के बीच में इसका साइज होना चाहिए। अब जो सेल्फ अटेस्टेड जो आपके सर्टिफिकेट लगने वाले हैं उसमें देखिए क्या होगा, एक तो आपका एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा जिसपे कि शोइंग डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ उस पर शो हो रही होनी चाहिए कि DOB आपकी क्या है। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपके होने चाहिए, UP का डोमिसाइल आपको लगाना है। ठीक है, फिर साइज ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन, इसमें देखिए इसकी फाइल जैसे भाई सर्टिफिकेट से थोड़े ज़्यादा हैवी होंगे तो इसके लिए इन्होंने 20 से 1024 KB तक का, ठीक है, यानी लगभग 1 MB तक का फ़ोटो, लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा JPG और JPEG। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट आपको यही रखना है। तो आप इसको अपलोड कर देंगे और बस, फिर उसके बाद आपको जब ये एक बार फाइन ये सबमिट हो जाएगा, उसके 24 घंटे बाद आप इसमें फ़ी जमा कर सकते हैं। ये देखिए ब्लैक से लिखा है कि कैंडिडेट नीड्स टू रीलॉग इन एंड क्लिक द लिंक टैब मेक ऑनलाइन पेमेंट, जो ऑनलाइन पेमेंट का जो उसमें टैब होगा उस पर आपको क्लिक करना है, वो भी कब, 24 घंटे के बाद। फिर उसके बाद SBI कलेक्ट पोर्टल पर जाना है, वहाँ से UPRVUNL पेज को सिलेक्ट करना है और स्टेट बैंक कलेक्ट पोर्टल पे जाके आपको फ़ी सबमिट कर देनी है। ठीक है, जब आप फ़ी सबमिट कर देंगे उसके बाद में उस पर जो लास्ट में रिसीप्ट नंबर आता है उसको लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर आप नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फर्दर आगे कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करनी हो, मान लो फॉर्म ही डाउनलोड करना है और
आगे आपको जो एडमिट कार्ड निकाला जाएगा वो सब उसी से फिर आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब पारदर्शिता की अगर बात की जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही उत्तर परीक्षा तिथि की समाप्ति से 4 दिन के अंदर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपलोड की तिथि से 3 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु, मगर अगर आपको आपत्ति है किसी क्वेश्चन को लेकर कि भाई ये इसका आंसर ये गलत है, तो आप 3 दिन के अंदर वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बंध पत्र मतलब बॉन्ड बॉन्ड की बात देखी जाए तो चयनित होने की दशा में ज्वाइनिंग के समय अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक पद हेतु 3 वर्षों तक के लिए 1,50,000 रुपये मात्र GST अतिरिक्त की बंद राशि, मतलब आपको जो बॉन्ड है 3 वर्ष तक के लिए 1,50,000 का बॉन्ड भरना होगा। कहने का मतलब 3 साल से पहले आप नौकरी को नहीं छोड़ सकते हैं, 3 साल से पहले अगर आप नौकरी छोड़कर जाते हैं तो आपको 1,50,000 रुपये पे करने होंगे और साथ में GST अलग से, ठीक है। अभी ये 19वां जो कॉल वो दिया हुआ है इन्होंने, तो इसमें है कि उपरोक्त विज्ञापन बिना किसी कारण बताए निरस्त किया जा सकता है, तो ये तो सभी में रहती है ये कंडीशन, ठीक है। अब जो है सबसे बड़ी चीज़ कि ये फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे, तो इसके देखिए ये विवरण दिया हुआ है इसमें क्रम संख्या 1, 2, 3 के अनुसार। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र आरंभ करने की तिथि है 3/6, यानी 3/6 से ही आरंभ हो चुके हैं, 2/7/2021 इसकी अंतिम तिथि है, ठीक है। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 4/7, यानी 2/7 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी फ़ी सबमिट की डेट है वो 4/7 रात 11 बजे तक है, 11:45 PM तक है, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्प डेस्क का विवरण ये दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया है और ईमेल आईडी भी दिया है। अगर आपको कोई कैसी भी जानकारी लेनी है तो आप इस पर कॉल करके ये जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें आप और बाकी जो है तैयारी अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट, यही कहूँगा कि बस जल्द से जल्द तैयारी करके सारे बच्चे जो भी हैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर है, इसको जाने मत दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, टेक केयर।